सुबह सुबह बेचारा मेरा पति देव मेहनत कर रहा है, बाद में अच्छा सा फल खा पाए, इसलिए हो गया। ये देखो निकाल लिया हमने, अब इसको अलग साइड पे ट्रांसफर करेंगे। इस साइड पे ज्यादा अच्छा नहीं था, तो देखते रहिए वीडियो को, नारियल को कैसे लगाते हैं। ये देखो मेरा हस्बैंड रेडी कर रहा है, इस साइड लगाएंगे घर के साउथ वेस्ट कोने में। पुराने जमाने के लोग कहते थे कि घर के जो बाउंडर के साउथ वेस्ट कोने में लगाने से नारियल ज्यादा फल देता है। देखते हैं, हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं, होता कि नहीं। सुबह सुबह मेहनत, लगे रहो, पेट थोड़ा कम हो जाएगा। नीम का पौधा भी लगा है। हो जाएगा, नहीं थोड़ा और करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये देना पड़ेगा ना ईटा का टुकड़ा, थोड़ा और खोदो। नहीं है तो तोड़ दो। इसमें लगा के तोड़ेगा, तोड़ो तोड़ो। हम मतलब जब नारियल पौधा लगाते हैं ना, तब उसमें अंदर ईटा का टुकड़ा देना चाहिए। कहते हैं कि ईटा का टुकड़ा देने से उसके जो रूट की पकड़ है ना, वो ज्यादा टाइट होता है, तो वो ज़्यादा आसानी से मतलब नहीं निकलेगा बाद में जब हवा पानी आएगा तब। इसलिए ईटा का टुकड़ा तोड़ के हम अंदर दे देंगे। ये देखो तोड़ रहा है, चिकना शिकंग मगा भाई। ये देखो यहाँ पे हम उठा के ले जाएंगे, अभी बहुत भारी है, बेचारा अकेला नहीं सकता, उठा नहीं सकता, तो मुझे हेल्प के लिए बुलाया है, नहीं सकता अकेला। ओके, हम लोग ले जाते हैं जंगला। चल ये देखो हमने डाल दिया यहाँ पे ईटा का टुकड़ा, अभी डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गोबर की खाद। डालो भाई डालो, मैंने लाया है, अच्छे से दो और दो। हो गया हो गया, बाद में भी चाहिए होगा। चल लगाओ, जिस साइड से लाया था उस साइड से बनाओ ना इसको, इस साइड ऐसा नहीं है, ये इस साइड था ये वाला। हो गया हो गया, अभी हो गया। बढ़िया, अब इसको पेड़ के साथ अच्छे से दबाओ। हाँ ऐसा,
गान किसीबा ए फिथे हो जाबा सब नो फटे लो गठौ जाबावनांगौमोन नामा गायनायालाय हाखौ होखागोन ना हगया रेडि नारिखलखौ खालामाथ'